जिस वक्त आप गाड़ी खरीद रहे होते हैं उस वक्त ये नहीं देखा जाता कि गाड़ी 10 लाख की है, 20 लाख की है, 50 लाख की है या फिर 1 करोड़ की। लेकिन जिस वक्त फ्यूल की बात आती है तो ये जानना बेहद ज़रूरी है कि क्या वो फ्यूल आपकी गाड़ी के लिए सही है, नहीं है, गुणवत्ता कैसी है, पूरा है कि नहीं है। तो आज मैं एक ऐसे पंप पर लेके आया हूँ, ऐसे पंप पर आया हूँ जहाँ पर गुणवत्ता के मामले में कोई कंप्रोमाइज़ नहीं है। सीधी सीधी बात कि आपकी गाड़ी का डॉक्टर फ्यूल होता है, फ्यूल अगर सही है तो फिर आपकी गाड़ी भी सही रहेगी। बीपी 140 ये आपको याद रखना होगा। बीपी 140 के डीलर मेरे साथ हैं पवन गोयल, पूर्व में मंत्री रहे हरियाणा सरकार में, सुभाष गोयल उनके बेटे हैं। और इनकी खूबी और खासियत यही है, पूरा माप, शुद्ध तेल, और दो चीज़ें आपको चाहिए होती हैं। पवन जी आपका स्वागत है एकमत पोस्ट में। चर्चे बहुत थे कि इस पंप पर जाएंगे बीपी 140 तो फिर लीक से हटके है, ऐसी क्या खूबियाँ हैं आपके पंप में जो तेल यहीं पर डलवाएं? क्योंकि जब गाड़ी आदमी महंगी ले लेता है तो उसकी ख्वाहिश सिर्फ एक ही रहती है कि जो वो तेल डलवाएगा, डीजल या पेट्रोल, वो शुद्ध जाए, प्योर जाए, ताकि इंजन में गड़बड़ ना हो और एक पूरा जाए जिसके लिए वो पैसा दे रहा है। ये दो चीज़ों की श्योरिटी हर आदमी मांगता है। सर्वेश जी नमस्कार, आपके दर्शकों को मेरी नमस्कार। ये हर कस्टमर चाहता है, चाहे छोटा है चाहे बड़ा है, भाई उसको पूरा तेल मिले और शुद्ध तेल मिले, कोई मिलावटी माल, मिलावटी तेल ना हो। मेरे यहाँ इस चीज़ की 100% गारंटी रहती है इस पंप पे। मेरा हाशी भी पंप है, बावल भी पंप है, सब पंपों पे मेरी गारंटी है। हमारे पंप पर आपको 100% शुद्ध तेल और पूरा माप मिलेगा यहाँ पर। मैंने ये भी देखा है कि आपका जो पंप का जो एरिया है वो बहुत बड़ा है, गाड़ियाँ काफ़ी रुकती हैं, कैफेटेरिया भी जल्दी बनने वाला, उसका भी स्पेस आपने यहाँ छोड़ा हुआ है। वॉशरूम्स की बड़ी चर्चाएं होती हैं, जो गाड़ियां आपके पास रुकती हैं, क्योंकि जो हाईवे है नेशनल हाईवे नंबर 9, एयरपोर्ट से पंजाब की गाड़ियां बहुत जाती हैं, हिसार की, सिरसा की, फतेहाबाद की, या फिर उधर के लोग दिल्ली जाते हैं, तो वो तमाम लोगों की ख्वाहिश होती है कि आपके पंप पे ब्रेक लें, तेल भले ही लें या ना लें, लेकिन वाशरूम आपके इस्तेमाल होते हैं। अक्सर होता ये था कि वाशरूम काम चलाऊ होते थे पंप्स के ऊपर, होते तो थे क्योंकि मैंडेटरी है, ज़रूरी है, उनको बनाना पड़ेगा, लेकिन इतने बड़े वाशरूम्स बना दिए, इतने स्टाइलिश बना दिए, और जगवार की फिटिंग में देख रहा था आपके वाशरूम्स में, किसी पंप पे मैंने देखी नहीं थी, 3 स्टार 5 स्टार के माफिक आपने जो बड़े बड़े बाथरूम बनाए हैं, ये क्या ज़रूरी था, कंपनी का ऑर्डर था या फिर आपकी सोच थी? बहुत ही अच्छा है, क्लीन है, हैंड वॉश भी रखा हुआ है, सारी चीज़ें अच्छी हैं। मतलब पहले आप किसी और पे भी गए होंगे तो कंपेयर करें तो क्या रेटिंग देते? नहीं, बहुत अच्छा है, मतलब औरों के कंपेयर में मुझे फर्स्ट टाइम बहुत अच्छा लगा है। वॉशरूम भी, पानी की फैसिलिटी भी, यहाँ पे साफ सफाई भी काफ़ी अच्छी है। कहाँ से आए हैं? हिसार से सर। कंपनी के लिए हर पेट्रोल पंप पर वॉशरूम मैंडेटरी है, लेकिन उसको मेंटेन नहीं कर पाते हैं पेट्रोल पंप वाले। मेरी शुरू से हैबिट है, मेरे को वॉशरूम नीट एंड क्लीन, हाइजेनिक चाहिए बिल्कुल। उसके अंदर मैं बिल्कुल भी लापरवाही नहीं करता, ना मेरे स्टाफ को मैं करने देता हूँ। मैंने ये भी देखा आपकी सोप तक ब्रांडेड है, किसी प्रकार से कंप्रोमाइज़ है ही नहीं क्वालिटी के साथ। डिटोल की आपको साबुन मिलेगी वहाँ हाथ वॉश करने के लिए, सारी जगवार की फिटिंग है, बढ़िया मैंने वॉशरूम बना रखे, और 12 घंटे के मेरे पास सफाई कर्मचारी है, माली है मेरे पास 12 घंटे के, मतलब ग्रीनरी और मेरे को वॉशरूम नीट एंड क्लीन चाहिए ही चाहिए। मैंने देखा एक चीज़ और, आपके पंप पे बड़े बड़े QR कोड लगे हैं, बीपी 140 लिखा हुआ है, बहुत बड़े बड़े QR कोड लिखे हैं, क्या इसका क्या मायना? मैं हर कस्टमर से, मेरा मन ये रहता है भाई मैं फीडबैक लूँ, वो अपनी फीडबैक दे के जाए मेरे पंप के लिए, वो मुझे भी मिल जाती है, भारत पेट्रोलियम के अंदर भी चली जाती है, गूगल की QR कोड लगा रखे हैं हम लोगों ने, तो उससे कोई चीज़ चाहे कंप्लेंट आती है चाहे कोई सजेशन दे के जाते हैं, उससे हम बेटर सर्विस प्रोवाइड कर सके कस्टमर को, इसलिए मैंने लगा रखे हैं। ऐसे मैं बता दूं, होता ये है कि लोग छुपाते हैं, अगर किसी में कमियां हैं तो वो छुपाने की कोशिश करता है कि पता ना चले, उनको दबाया जाए। ये पहले ऐसे शख्स हैं जिन्होंने बड़ा बड़ा QR कोड दिया, जिसके पास समय नहीं है, रजिस्टर में नहीं एंटर कर सकता, गूगल फॉर्म पर जाएगा सीधा लिंक उसका, उस पर आप लिख सकते हैं सजेशन, सुझाव आपके, या फिर कोई आपकी शिकायत है वो भी लिख सकते हैं। तो कभी लगता नहीं कि ये शिकायतें बहुत हो जाएंगी, कंपनी भी देखेगी उसको, तो क्या करना है, झंझट से इसको हटा दिया जाए इसको? अगर आपको पेट्रोल पंप मेंटेन रखना है, आपको सर्विस बढ़िया देनी है कस्टमर को, तो ये मेरे लिए तो मैंडेटरी है, मैं तो रखूँगा इसे, मैं नहीं हटा सकता, मेरे को चाहिए। चाहे कंप्लेंट आए मेरे, चाहे मेरे को अच्छी चीज़ें आए, मेरे को कंप्लेंट में भी खुशी होती है, और कोई अच्छी चीज़ लिख के जाते उसमें भी तो खुशी होगी ही होगी। अच्छा, आपके पास में स्पेस भी काफ़ी है, तो कई बार होता है ये, क्योंकि बहुत लंबा रास्ता होता है, यहाँ से बड़ी गाड़ियाँ जाती हैं, कार बहुत होती हैं, रात का सफ़र भी रहता है,
तो क्या कोई कार छोटे व्हीकल हैं वो कुछ देर के लिए रुक सकते हैं आपके पंप पे, आराम कर सकते हैं अगर उनको लगे कि थकान हो रही है, गाड़ी साइड में लगाएं, स्पेस बहुत रहता है? किसी चीज़ की मेरे यहाँ प्रॉब्लम नहीं है, कार रोको ट्रक रोको आप, यहाँ मेरे आगे पीछे पार्क भी है, आराम से बैठ सकते हैं, टहल सकते हैं, कैफेटेरिया भी। तस्वीर में जो आप देख रहे हैं ना ग्रीनरी, ये आप ग्रीनरी देखें, ऐसी ऐसी ग्रीनरी लोगों के अक्सर फार्म हाउस पे भी नहीं होती हैं, लेकिन ये इस पेट्रोल पंप पे बीपी 140 में, बार बार आपको रिमाइंड करा रहा हूँ, आप लिख लें इसको, दिमाग में डाल लें, बीपी 140 पे ये ग्रीनरी है जहाँ पर आप थोड़ा रुक कर आराम कर सकते हैं और फिर आगे निकल सकते हैं। मैंने ये नोटिस किया है कि जो लोग इस पंप पे रुकते हैं वो फिर दूसरे पंपों पे रुकने की ख्वाहिश रखते ही नहीं है, उनको लगता है कि बीपी 140 आएगा वहीं स्टॉप लेंगे, तेल लेंगे, डीजल लेंगे, पेट्रोल लेंगे, वो उनकी मर्जी है, लेकिन रुकेंगे ज़रूर। और पीछे हम लोगों ने रेस्ट रूम भी बना रखा है, कोई आदमी कोई कस्टमर रुक के रेस्ट करना चाहे तो पीछे रेस्ट रूम भी बना रखा है हम लोगों ने पेट्रोल पंप के बैक साइड के अंदर। वो फ्री रहता है या कोई चार्जेस? फ्री है, कोई किसी किस्म का चार्ज नहीं है। पीछे जो आप देख रहे हैं ना जिसमें लाइट जल रही है, वो बिल्डिंग दिख रही है आपको, वहाँ पे जल्दी कैफेटेरिया खुलेगा, कोई भी ब्रांड इसको लेगा, ऐसा नहीं कि कोई चाय की दुकान वाला आएगा और चाय बेचनी शुरू करेगा, कोई ना कोई ब्रांड जल्दी इसको लेगा और फिर यहाँ पर जो भी गाड़ियाँ जाएंगी उनको उसकी सर्विसेज भी मिलेंगी। क्योंकि नेशनल हाईवे नंबर 9 में, बार बार रिपीट कर रहा हूँ, गड़ी में E5 कॉलेज फॉर वुमेन है, उसके ठीक सामने ये पड़ता है। बीपी 140 का इस नाम से कोई और भी पंप है इस रोड के ऊपर? कोई भी नहीं, दिल्ली से लेके पंजाब तक कोई पंप नहीं बीपी 140 भारत 140 याद रखना है। और ये जो डिस्क्रिप्शन रहेगा इसमें हम इसकी लोकेशन का भी आपको एक लिंक दे देंगे, जो लोग इसको देख रहे हैं इस वीडियो को आप शेयर भी करें और वो लिंक भी ज़रूर शेयर करें ताकि पता लगे कि बीपी 140 पे कहाँ पे है, वो सीधी लोकेशन आपको वहाँ लेके आएगी, मैप आपको सीधा वहीं पे लेके आएगा। बीपी 140 पेट्रोल पंप पर मैनेजर हैं बाबूलाल, हमने इनको कहा कि आप हमें टेस्ट करके दिखाइए, हम ऐसे सीधे सीधे विश्वास नहीं करेंगे, आप बताएं हमें कि प्योर टी कैसे जाँची जाती है, कैसे पता लगे कि पेट्रोल प्योर है कि नहीं है, मिलावट है कि नहीं है। तो ये जनाब लेके आए हैं, क्या है बाबूलाल जी ये? सर ये फिल्टर पेपर है 2.0 का, तो इससे अपन चेक कर सकते हैं कि भाई अपना जो अपन प्रोडक्ट ले रहे हैं तो वो प्योर है कि नहीं है। अच्छा, दिखाएं आप करके, इस पे मैं चेक करके दिखाऊंगा आपको। बिल्कुल, इस पे चेक करके कह रहे हैं कि दिखाएंगे, और इन्होंने कहा कि भारत पेट्रोलियम ने, खासतौर पर भारत पेट्रोलियम के जो भी पंप हैं उन्होंने बोला हुआ है, उन्होंने ये चीज़ें दी हुई हैं, आप नज़दीक से देखें ज़रा, इस पे नोज़ल से तेल डालने की कोशिश की जा रही है, पेट्रोल है इस नोज़ल पे और ये डाल दिया गया। नज़दीक से आप दिखाएं एक बार कैमरे को, ये यहाँ पे इन्होंने पेट्रोल डाला है। अगर इसमें कुछ अगर मिक्सिंग रहती है तो ये अपना एक धब्बा छोड़ देगा, इसमें कोई निशान इस पे नहीं रहा है। हमें जो बीपीसीएल डेंसिटी दे रहा है उसके मुताबिक हम कस्टमर को डेंसिटी दे रहे हैं कि नहीं दे रहे हैं उसका हमारे पास में रिकॉर्ड रहता है और वो भी हम चेक करवा दे सकते हैं। हमारे पंप पर हर जगह सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं और हमारा स्टाफ या कोई भी ग्राहक यहाँ सीसीटीवी की निगरानी में है। मैं सर्वेश जी आपके चैनल के माध्यम से जो भी देखने वाले हैं आपके दर्शक सबसे विनती करूँगा, एक बार हमें सेवा का मौका अवश्य दें, आपके आने से हमें खुशी मिलेगी। इस वीडियो पे दबा के शेयर करें ताकि लोगों को पता लगे कि ऐसा कौन सा पंप है जहाँ पर शुद्ध प्योर तेल मिलता है बिना किसी मिलावट के और पूरा माप मिलता है। ये वीडियो वाकई शेयर करने वाली है, फिर भी आपके कोई कमेंट है तो खुल के कमेंट भी करें और दबा के शेयर करें, और आप देखते रहें एक मत पोस्ट।